पंचायत में 12 में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने की उसमें उत्तर आया कि 1 किलोमीटर के अंदर है इसलिए नहीं खोला जाएगा। तो महोदय जहां पे 86 में 12 में जो नामांकन है उस 12 के माध्यमिक विद्यालय 86 में 12 के सभी बच्चों का वहां पे 580 बच्चे हैं, वहां पे शिक्षकों की 9 संख्या है, जबकि सरकार का मानक है कि 40 बच्चे पे एक शिक्षक होना चाहिए, तो उस समय वहां पे 15 शिक्षक होनी चाहिए जबकि 9 है। और हमको ये सरकार से पूरक पूछना है कि क्या अगर उस गांव के जनसंख्या ज्यादा है तो ये मानक 1 किलोमीटर के अंदर भी विद्यालय खोलने पे विचार रखती है या नहीं, क्योंकि आज 4 साल के बच्चे जो हैं नौनिहाल 1 किलोमीटर जाते हैं तो उस समय सड़क दुर्घटनाएं होती है, ये होती है, तो उस गांव में भी विद्यालय खोलने पे मानक में सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब 4 साल के बच्चे आपका पूरक का जवाब सुनिए ना। जी पहले बोल दे सर, इसीलिए बोले कि एक तो वहाँ पे संसाधन की कमी है कि जो 40 आपका शिक्षा विभाग का मानक है उसके अनुसार वहाँ तो नहीं तो शिक्षक है नहीं जगह है, तो इस पे विचार रखती है कि नहीं, तो 12 में भी कैसे विद्यालय खुलेगा ये सरकार बतलाने की कृपा करें। महोदय माननीय सदस्य ने जो पूरक पूछा है उसके 2 अंश हैं कि एक तो कि 1 किलोमीटर के अंदर में खोलने का विचार रखती है कि नहीं, तो अभी 1 किलोमीटर के अंदर खोलने का विचार नहीं है इसलिए कि अभी जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत भी जो पूरे देश में जो नीति लागू है और बिहार में भी हम लोग अभी लक्ष्य रखा है कि 5 किलोमीटर पर उच्च विद्यालय, 3 किलोमीटर पर मध्य विद्यालय और 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय अगर नहीं है तो हम लोग नया खोलते हैं। और जहां तक जो ये 12 में खोलना चाह रहे थे और हमने कहा कि वहां के बच्चे 86 में नामांकित हैं जो 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर है, और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अगर वहां छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है और मानक के हिसाब से वहां और अधिक शिक्षकों की नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए, तो वो अभी पंचायत चुनाव खत्म होता है हम लोग 1-1.25 लाख शिक्षक बहाल कर रहे हैं, उसमें उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई कर देंगे। ठीक, श्री ललित कुमार यादव।